हाय एवरीवन, मैं हूँ कंचन। कंचन फैमिली किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आलू, लौकी और उड़द दाल की बड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 आलू ली है, 4 प्याज और 2 टमाटो। लौकी को बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर ली है। बड़ा पीस कट के डालिएगा तो इसमें टेस्ट और अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने उड़द दाल की जो बड़ी है उसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब मैं इसे निकालूँगी। इसको फ्राई करते रहना है, थोड़ा टाइम इसको और फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो गया तो मैं इसको निकाल ली। उसके बाद मैं इसे अलग बाउल में डाल दूँगी। उसके बाद मैं कुकर में तेल डालूँगी। जब कुकर गरम हो जाए तो उसमें मैं तेल डाल दूंगी। तेल को भी अच्छे से गरम होने देना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए, पूरा अच्छे से इसमें जब गरम हो जाए तब मैं इसमें हींग डालूंगी। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा है होता है इस सब्ज़ी में। आप एक बार आप लोग डाल के देखें। जो हींग डालने के बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा भी जब अच्छे से हो जाए, जब जीरा भी चटकने लगे तब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को भी मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। अच्छे से इसको फ्राई करना है, फिर चलाते रहना है, फिर इसको फिर बंद कर देना है। अब फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटो डालूंगी। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। नमक डाल के फिर इसको थोड़ा देर फ्राई करना है। इसको चलाते रहना है। कौन कौन अपने घर में बनाते हैं इसे तो हमको कमेंट करके प्लीज़ बताइए। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। इसको भी थोड़ा देर, 5 मिनट इसको भी फ्राई करना है। इसको जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो टमाटर डालूंगी। ये टमाटर को भी थोड़े देर के लिए फ्राई करना है। अच्छे से इसको चलाना है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। आलू को 5 मिनट तक फुल फ्लेम में फ्राई करना है। टमाटर और प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। आलू का और ये सारे प्याज टमाटर का भी कलर चेंज हो जाए तब मैं इसमें जो रेगुलर मसाले हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये सब मैं उसमें डाल दूंगी। छोटा चम्मच है इसलिए 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्ची। स्पाइसी आपको कितना खाना है आप अपने अनुसार डाल लिए, स्वाद अनुसार नमक। इसको भी थोड़ा देर फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाला, आलू, टमाटर सब अच्छे से जब फ्राई हो जाए तो मैं इसमें लौकी डाल दूंगी। थोड़ा सा जल जाएगा इसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँ। अब मैं इसमें लौकी डाल के इसको भी थोड़ा देर के लिए फ्राई करूँगी। इसमें जब पानी छोड़ दें, गल जाए लौकी, तब उसके बाद फिर इसको फुल फ्लेम में करना है, कम करके नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें पानी डाल के लास्ट में मैं वो उड़द दाल की बड़ी है सो लास्ट में मैं डालूंगी। पानी डालने के बाद इसको 3 सीटी फुल फ्लेम पे करना है। थोड़ा गरम मसाला डाल देना है, थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दीजिए, मैं भूल गई, लेकिन आप लोग थोड़ा डाल दीजिएगा तो और अच्छा होगा। और उसके बाद 3 सीटी इसको फुल फ्लेम में करना है और 1 सीटी कम करके करना है। देखिए लास्ट में मैं बड़ी डाल रही हूँ। इसको फिर मिला देना है। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग भी बना के देखिए। अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। ये देखिए मेरा सब्जी रेडी हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर
सब्सक्राइब करो।